सो हे गाइस, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो Y20 2021 वाले वेरिएंट के बारे में। क्या आपको इसमें एंड्रॉयड 13 की सिस्टम अपडेट देखने को मिलेगी, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखते रहिए। चाहे आप लोग वीवो Y20 2020 वाला वेरियंट इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप लोग वीवो Y20 2021 वाला वेरियंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोनों के लिए ही सेम जो है चीज़ें हैं। तो वो आप लोग देखते रहिए, अगर आपके पास वीवो Y20 2021 वाला वेरिएंट है तब भी, या फिर 2020 वाला है तब भी। तो फिलहाल यहाँ पर बात करें तो एंड्रॉयड 12 पर ये डिवाइस रनिंग पर है, और जैसे कि आप लोग जानते हैं जब ये डिवाइस लॉन्च की गई थी तो इसमें हमें एंड्रॉयड 10 दिया गया था। उसके बाद इसमें एंड्रॉयड 11 की अपडेट मिली, उसके बाद एंड्रॉयड 12 की भी अब अपडेट मिल चुकी है विद FantaJOS 12, और FantaJOS 12 की स्टेबल अपडेट भी यहाँ पर हमें मिल चुकी है। और बाई मंथ के जो यहाँ पर जो सिक्योरिटी पैच अपडेट्स होती हैं वो भी मुझे मिल रही हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो मैं डिवाइस है ये मैं जब से मतलब लॉन्च हुई है तब से मैंने इसको बाय किया हुआ है और तब से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे अपडेट्स का कोई भी इशू देखने को नहीं मिला, इसके अपडेट्स यहाँ पर हमें रेगुलर देखने को मिलती रहती हैं। टाइम पर तो मैं नहीं कहूँगा कि मिलती हैं, लेकिन अपडेट्स इसमें मिल ज़रूर रही हैं, जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों के सवाल ये आ रहे हैं कि इसमें जैसा कि एंड्रॉयड 12 की अपडेट मिल चुकी है, तो अब एंड्रॉयड 13 आ चुका है, तो एंड्रॉयड 13 की भी क्या इसमें अपडेट मिलेगी? तो उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ वीवो का यहाँ पर कुछ शेड्यूल के बारे में बता दूँ। तो वो कुछ यूँ है कि यहाँ पर जो डिवेलपर प्रीव्यू होगा एंड्रॉयड 13 का, वो आपको फेब में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मार्च तक आपको इसका डेवलपर प्रीव्यू देखने को मिलेगा। उसके बाद बीटा रिलीजेस के की जाएंगे अप्रैल के मंथ में। उसके बाद यहाँ पर आपको मई के मंथ में भी इसकी बीटा अपडेट्स देखने को मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेबल अपडेट्स देखने को मिल जाएंगी जुलाई तक, और जो फाइनल रिलीज़ लेने वाली है वो उसके बाद आपको मिल जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो मैंने आपको शेड्यूल बताया है, वीवो वालों ने इसको अपने जो है ना ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था, जिसके मुताबिक उनका कहना यह है कि हम किसी भी डिवाइस को 2 साल की मेजर अपग्रेड्स OS यानी कि जो अपडेट्स होती हैं वो पुश करते हैं, और जो 3 साल की सिक्योरिटी पैच अपडेट्स आपको मिलती हैं। 2 साल से मुराद यह है कि यानी कि आपको 2 मेजर अपडेट्स देखने को मिलती हैं। अब क्योंकि वीवो Y20 में आपको एंड्रॉयड 10 की अपडेट पहले ऑलरेडी था, तो एंड्रॉयड 11 की अपडेट मिली, एंड्रॉयड 12 की भी अपडेट मिल चुकी है। तो ये जो डिवाइस है ये 2 मेजर अपग्रेड्स हासिल कर चुकी है, यानी कि यहाँ पर जो 2 OS वाली अपडेट्स का उन्होंने वादा किया था वो उन्होंने पूरा कर दिया है। अब यहाँ पर बस आपको इसी ही ईयर में 2023 के एंड तक जो है अपडेट्स मिलेंगी, और वो भी सिक्योरिटी पैच रिलेटेड। उसके बाद इसमें कोई भी अपडेट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी, सैडली कहना पड़ रहा है। और यहाँ पर जो है आपको ये इसका लास्ट साल चल रहा है, तो इससे यहाँ पर मुराद यानी कि आपको पता ही चल ही चुका होगा कि इसमें अब जो है आपको एंड्रॉयड 13 की अपडेट देखने को नहीं मिलेगी, ना ही FantaJOS 13 की अपडेट देखने को मिलेगी। तो अगर आपको जो है FantaJOS 13 इस्तेमाल करना है तो फिर आपको नई डिवाइस बाय करनी पड़ेगी। और इससे के अलावा वीवो Y21 से रिलेटेड भी मैंने बताया हुआ है कि उसमें क्या आपको अपडेट देखने को मिलेगी या फिर देखने को नहीं मिलेगी। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा। वीवो डिवाइस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई भी इशू आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी हमारे फेसबुक पेज का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों आज इसमें बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।